तो गाइस मैं आपको आज एक चींटी का बच्चा दिखाता हूँ, जो क्या हुआ कि आज हमारे नीम के पेड़ से ऊपर से ये गिर गया है, और ये लगता है 1-2 दिन का ही लगता है। अब देखते हैं इसको हम पाल सकते हैं क्या, ये बड़ा हो, इसको हम बड़ा कर सकते हैं क्या, देखते हैं। हम इसको ऐसे गोचे से देखो, इसको खाना देते हैं ऐसे, इसको गोचे से ऐसे खाना देते हैं, तो खाना खाती भी है। इसको क्या किया, हम बिस्कुट और दूध, ये देखो दूध बिस्कुट देते हैं, ऐसे दूध बिस्कुट मिला कर देखो गोचे से, ये देखो ये देखो ऐसे खाती है ये खाना, ये देखो। इसकी माँ पता नहीं उठ गई कहीं पर और अब आ नहीं रही इसकी माँ। अब देखो इसको हम ऐसे खाना खिलाते हैं, ये देखो ये ऐसे खाना खाती है, अभी दूध दूध बिस्कुट खाती है सिर्फ। ऐसे खाना लिया और ये देखो ऐसे खाना खाती है ये। अब देखते हैं कितने दिनों के अंदर इसके पंख उगेंगे और कितने दिनों के अंदर ये बड्डी होती है। देखो ऐसे सारा पंख होगा, ये देखो ये ऐसे खाना खाती है, ये देखो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ये देखो अभी इसको भूख लगी हुई है, बहुत तेज़ भूख लगी है इसको। ऐसे खाना लिया, ये थोड़ा मिला लेते हैं, ये देखो ये देखो ऐसे खाना दिया जाता है इसको। अगर आपके भी घर पर ऐसा कोई बच्चा आ जाए तो आप इसको ऐसे खाना खिला सकते हैं, ये देखो। अब देखते हैं कितने दिनों के अंदर बड्डी होगी। आज इस बच्चे को 5वां दिन हो गया है, बीच में 2-3 दिन का हमने वीडियो नहीं बनाया था, 5वां दिन हो गया, इसके पंख भी आने लगे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो तो फ्रेंड्स आज इसको 7वां दिन है, अभी इसके थोड़े थोड़े पंख भी उठ चुके हैं। ये देखो कूलर की ठंडी ठंडी छाँव, ठंडी ठंडी फोन के सामने बैठी है ये, अब इसको खाना खिलाएंगे। देखो अब देखो खाना खा रही है ये, आज इसको 7वां दिन है, 7 दिन की हो चुकी है ये, अब देखो खाना खिलाएंगे इसको। ये देखो ये ऐसे खाती है खाना, ये 7वां दिन, आप देखते हैं आगे कब तक ये बड़ी होगी। ये देखो आज इसको पूरे 10 दिन हो गए हैं और अभी तक ये इसके पंखे भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी, अभी थोड़ी बड़ी होने लगी है। तो अब हम इसको देखो दूध और पार्ले का मेरी गोल्ड बिस्कुट आता है, अगर आपके घर में भी कोई अगर ऐसा बच्चा आपको मिल जाए, अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो, तो आप ये दूध और बिस्कुट मेरी गोड पार्ले का वो आप इसे खिला सकते हो, और थोड़ा थोड़ा इसे लिक्विड के रूप में आप इसे थोड़ा थोड़ा दूध भी दे सकते हो। ये देखो ऐसे खाती है ये, और आज मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा ताकि आपके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा आए तो आप जो उसको दूध और बिस्कुट दे सकते हैं और एक जान बचा सकते हैं। ये देखो आज 10 दिन हो गए हैं इसको और इसके पंखे भी आने लगी और ये हिलने भी लगी है, और आज मैं आपको ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो देखते हैं। ये देखो ये दूध और बिस्कुट से जीवित रह सकती है।